नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ शालिनी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको लोकस का मतलब बताऊंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो लोकस क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक क्लासरूम है जिसमें सभी बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे ऐसे करके, पूरे ऐसे करके वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे करके क्लासरूम में सभी बच्चे ऐसे अलग अलग करके खड़े हैं, ठीक। अब टीचर आती हैं और वो क्या कहती हैं, किसी भी एक बच्चे को वो यहाँ पर खड़ी कर देती हैं और कहती हैं कि आप सभी बच्चे इस स्टूडेंट से 3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, ठीक। क्या बोला टीचर ने कि इस बच्चे से आप लोग 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, ठीक। तो कोई बच्चा क्या करेगा, इससे 3 मीटर का डिस्टेंस सपोज करो कि यहाँ पर आता है, तो कोई यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, फिर इससे 3 मीटर का डिस्टेंस लेके कोई यहाँ पर, फिर कोई यहाँ पर खड़ा होगा, ऐसे करके सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, है ना। 3-3 मीटर का डिस्टेंस लेंगे और सभी बच्चे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए। अब मैं अगर इन पॉइंट्स को जॉइंट करूँ, ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को अगर जॉइंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इन पॉइंट्स को जॉइंट करूँ तो मुझे मिलेगा एक सर्कल, ठीक है। कि आपको सर्कल जैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, सर्कल ही बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो ये क्या है, आपका लोकस है। अब ये लोकस कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से ये सभी पॉइंट्स क्या है, देखो ये सभी पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं, बोलो, है ना। तो ये क्या है, आपका लोकस है, ठीक है। लोकस का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस इज कॉल्ड अ लोकस। अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं क्या करती हूँ, इस लाइन से ना 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। इस लाइन से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। फिर मैं सेम एक यहाँ पर पॉइंट ले लेती हूँ, एक यहाँ पर, जो इससे ना 2 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ऐसे करके मैंने पॉइंट्स ले लिए। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे जॉइन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बताइए। यहाँ पर मुझे एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना, इसके पैरेलल एक लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स ये क्या है, आपका लोकस है। समझ में आया, लोकस को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु पथ, बिंदु पथ। अब बिंदु मतलब क्या, पॉइंट्स, पथ मतलब क्या, पाथ, वे, रास्ता, ठीक है। तो जो भी बिंदुओं से बना हुआ रास्ता रहेगा उन्हें आप क्या कहोगे, लोकस कहोगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिंदु आपने कैसा भी ऐसे ऐसे कर दिया और एक ऐसा करके रास्ता बना दिया, वो हो जाएगा आपका लोकस, ऐसा नहीं। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आया आपको लोकस का मतलब, तो मुझे लगता है कि आपको लोकस समझ में आ गया होगा। अभी हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं सीखना, ठीक है। आपको कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ठीक है, प्लेन के ऊपर ऐसे करके पॉइंट्स है ए और बी, और इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अगर आपको ए बी का डिस्टेंस बताना है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ठीक। याद करो, आप 10th स्टैंडर्ड में यूज़ करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो आपको आना चाहिए। वैसे आपको आता भी होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, ओके। तो देख लो आप इसको, फिर हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1,
क्या दिया है, इफ ए 1.3 एंड बी 2.1 आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है ना कि ए और बी पॉइंट्स हैं और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी, मतलब कोई तो एक पॉइंट पी है। देखो जैसे सपोज करो कि यहाँ पर है पॉइंट पी, ठीक, तो आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट पी के लोकस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, पी इज इक्वल टू पी बी, मतलब जैसे देखो यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी, तो ये दोनों क्या है पॉइंट पी से ना इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ये कंडीशन दिया हुआ है आपको पॉइंट पी के लोकस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखना, क्योंकि जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना वैसे ही आपको जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है ना उनको भी सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर 1, 3 और बी के हैं 2.1, ठीक, पी का हमें नहीं पता तो इसको हम कंसिडर करेंगे एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स कॉमा वाई। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, देखिए दैट इज पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट 1.3 है और बी के कोऑर्डिनेट से 2.1, ठीक है, ये क्या है गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखना कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज पी इज इक्वल टू पी बी, ये क्या है गिवन कंडीशन है, तो यहाँ पर आप लिख दो गिवन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है पी ए, तो पी ए का मतलब क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए, राइट, यही होगा ना। तो मुझे अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, वही वाला जो हम टेंथ में यूज़ किया करते थे, कौन सा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ठीक है, मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूँगी, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ ना, देखिए इसका स्क्वायर कर देती हूँ और इसका भी स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है, तब अब मुझे क्या मिलेगा देखना, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो ये जो स्क्वायर रूट था ये यहाँ से हट गया, राइट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो इसका स्क्वायर कर दिया, क्यों किया कि मुझे ये स्क्वायर रूट यहाँ पर ना लगाना पड़े, समझ में आ गया आपको स्क्वायर क्यों किया मैंने। चलिए अभी आगे देखते हैं, हमें P और A के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो फॉर्मूला देखो हम यहाँ पर पॉइंट A और P लेंगे, ठीक है, पॉइंट P और A लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस वन करेंगे द होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यहाँ पर PB। तो अब हम पॉइंट P और B लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस क्या होगा टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन द होल स्क्वायर, ओके इतना आपको क्लियर है। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का, क्या होता है एक बार आप देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ऐसा है तो फिर क्या होता है a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू,
अब इसमें ए क्या है, तो ए है एक्स, तो यहाँ पर लिख दो एक्स। बी क्या है, वन है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में वन, ठीक है। फिर क्या आता है, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी क्या है, वन है, तो प्लस वन स्क्वायर प्लस। अभी इसको एक्सपांड करते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस टू ए, ए मतलब वाई, बी मतलब थ्री, प्लस बी, बी मतलब क्या है, थ्री है ना, तो यहाँ पर थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस टू ए मतलब एक्स, बी मतलब टू, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या, टू स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस लिख दिया। अभी मैं इन दोनों को रफ कर देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको एक्सपांड करेंगे, तो y स्क्वायर माइनस टू वाई ब्रैकेट में वन प्लस वन स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो x स्क्वायर माइनस टू वन ज़ा टू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस y स्क्वायर माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स वाई, फिर थ्री थ्री ज़ा नाइन इज इक्वल टू, यहाँ पर x स्क्वायर टू टू ज़ा फोर एक्स, प्लस टू टू ज़ा फोर, प्लस वाई स्क्वायर टू वन ज़ा टू वाई प्लस वन। इतना आपको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों भी प्लस प्लस में है, तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सोचेंगे कि हम कब कैंसिल करते हैं, जब एक प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है तब। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये इक्वल के उधर है, तो अगर आप इस इक्वल के इधर लेकर के आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। जब आप इसको इधर लेकर के आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होने ही वाले हैं। तो हमने क्या किया, पहले ही इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल। कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जो कुछ बचा है उसको हम लिख लेते हैं, माइनस टू एक्स वन प्लस नाइन कितना हो गया, टेन माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस फोर एक्स, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइनस फोर एक्स, फोर प्लस वन फाइव, यहाँ पर क्या है माइनस टू वाई, तो मैंने माइनस टू वाई लिख दिया। अब उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ ना, इधर के जो भी टर्म्स हैं इन सभी को मैं इस साइड लेकर के आ जाती हूँ। तो देखो क्या होगा, माइनस टू एक्स प्लस टेन माइनस सिक्स वाई, ये माइनस फोर एक्स जब इधर आएगा तो प्लस फोर एक्स हो जाएगा, प्लस फाइव इधर आएगा तो माइनस फाइव, और ये माइनस टू वाई इधर आएगा तो प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए माइनस टू एक्स और प्लस फोर एक्स, आपको क्या मिलेगा, प्लस टू एक्स, प्लस टेन माइनस फाइव आपको मिलेगा प्लस फाइव, माइनस सिक्स वाई प्लस टू वाई आपको मिलेगा माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आप लिख दो, देयर फॉर टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप लिखना है इसका आंसर, देयर फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज, क्या आया है इसको आप लिख डालो, 2x माइनस 4y प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर वन के ही जैसा है, चलो इसको देखते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, ए माइनस फाइव कॉमा टू एंड बी फोर कॉमा वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको लिख के दिया था पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ये जो पॉइंट पी है ना वो इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है
पॉइंट ए और बी से। समझ में आया आपको? जैसे ये है आपका पॉइंट पी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ठीक। तो पी ए इज इक्वल टू क्या, पी बी, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस ऑफ पी बी, ऐसा कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो देखो हम यहाँ पर देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स एंड वाई कंसिडर किया था, राइट। तो यहाँ पर हम सेम वही करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स कॉमा वाई, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई, ठीक। अब यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं माइनस वाई कॉमा टू एंड बी के फोर कॉमा वन, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर लिख दो आप गिवन, ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब ये जो पॉइंट पी है ना, ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, ये क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी। अब आपको समझ में आ रहा है, ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा हुआ कि नहीं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर भी हम सेम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, राइट। ये लो हमने स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हमें देखो डिस्टेंस फाइंड करना है पी और ए के बीच का, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x माइनस क्या है, माइनस फाइव, तो ब्रैकेट में इसको लिखना माइनस फाइव करके, ओके, द होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखेंगे, y माइनस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है p एंड b के बीच का, तो देखो अब हम क्या लेंगे, पॉइंट p और b को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस क्या करोगे, माइनस फोर द होल स्क्वायर प्लस, फिर y माइनस क्या करोगे, वन द होल स्क्वायर, ठीक, इतना आपको क्लियर है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा, x माइनस माइनस वाई है ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस द होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस फोर द होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन द होल स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला, और जहाँ पर भी माइनस है वहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो a यहाँ पर क्या है, x है, b क्या है, फाइव है, तो इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब क्या, फाइव का स्क्वायर, ओके प्लस। अभी इसको करो तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि अभी यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। तो टू मैंने लिखा, ए यहाँ पर क्या है, वाई है, बी क्या है, टू है, तो टू लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर क्या है, टू, तो यहाँ पर लिखो आप टू का स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। फिर यहाँ पर इक्वल लगा दो, इक्वल का साइन, अभी आप इसको एक्सपांड करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए यहाँ पर क्या है, x है, b है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख दो 4 प्लस बी स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करो, फिर प्लस यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2a, a यहाँ पर y है, b क्या है 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 फाइजा 10x प्लस 5 फाइजा 25 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, देखो y स्क्वायर माइनस टू टू सा फोर वाई प्लस टू का स्क्वायर करो फोर इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू फोर करेंगे, तो टू फोर का क्या होता है एट एक्स हो जाएगा,
फिर यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर करो 16 प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस 2y आएगा प्लस 1। ठीक है, इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किया है मैंने यहाँ पर, बस फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी द होल स्क्वायर का, और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर आप सोचोगे कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है? नहीं, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब भी हम यहाँ पर 10x लिखते हैं, फिर 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। ओके, माइनस 4y यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस 8x मैंने लिखा, फिर प्लस 16 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, उसके बाद माइनस 2y। ठीक, इतना हमने किया। अब हम क्या करेंगे देखिएगा आप ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या है 10x है, तो मैं लिखती हूँ 10x। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ ना, ये जो माइनस 8x है मैं इसको इस साइड ले लेती हूँ, तो ये प्लस 8x हो जाएगा, राइट। फिर क्या है 29 है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 29। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो 17 है ना, मैं इसको इस साइड ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 17। ओके, फिर क्या है माइनस 4y, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ माइनस 4y, और मैं क्या करती हूँ इस माइनस 2y को इधर ले लेती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबको मैंने क्या किया इस साइड ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 0 बचा। ठीक, अब देखो 10x प्लस 8x कितना मिलेगा आपको 18x, राइट। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो, 29 माइनस 17 करेंगे तो 9 माइनस 7 किया तो 2, 2 माइनस 1 किया तो 1, आपको यहाँ पर मिलेगा 12। ओके, फिर यहाँ पर देखो माइनस 4y प्लस 2y मतलब आपको मिलेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम एक काम करते हैं, देखो हम यहाँ पर ना सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 18x अपॉन 2, ये जो 2y है ना इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2y अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखो, 2 1 2 2 9 18, यहाँ पर आएगा 9x माइनस 2 से 2 कैंसिल y, 2 1 2 2 6 12, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आया 9x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज क्या आया है 9x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं 3rd क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, इफ ए 2,0 एंड बी 0,3 आर टू पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट बी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 2BP। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ए पी इज इक्वल टू 2BP। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो पॉइंट पी रहता था उसके कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करते थे x, y। तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर x, y, दैट इज p x, y। ठीक, अब यहाँ पर देखो a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0 एंड b के 0,3। ओके, दिस इज गिवन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ए पी इज इक्वल टू 2BP। देखो कंडीशन क्या है, ए पी इज इक्वल टू 2BP, इट इज गिवन कंडीशन। ओके, अब देखना
हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, दोनों को स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे। देखो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bp स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4bp स्क्वायर। समझ में आया आपको? अब AP मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ AP, और BP मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ BP। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर अप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो डिस्टेंस ऑफ AP में हम P और A लेंगे, तो यहाँ पर लिखो x माइनस, x में से किसको माइनस करेंगे, 2 को, द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y माइनस क्या करेंगे, 0, राइट, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 को आप बाहर लिखो, उसके बाद इसको ब्रैकेट में करके लिखना। अब आपको लेना है b और p, ठीक है, तो माइनस करो x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस 3 द होल स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है आपको? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस b द होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a यहाँ पर है x, b यहाँ पर है 2, प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब इसको एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ पर y स्क्वायर आएगा माइनस 2ab, a का मतलब क्या y और b का मतलब क्या 0, प्लस b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। ओके, फिर इज इक्वल टू 4 को ऐसे अभी आप बाहर ही रहने दो, उसके बाद इसको एक्सपांड करो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2ab, तो a मतलब x, b मतलब 0, प्लस 0 स्क्वायर, प्लस इसको एक्सपांड करो, तो y स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब y और b मतलब 3, प्लस 3 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2 2 4x, प्लस 2 2 4, प्लस y स्क्वायर, अब देखना माइनस 2y इंटू 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0, फिर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 सा 0 ही होगा, मतलब यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 3 सा 6y, फिर प्लस 3 3 सा 9। ओके, इतना क्लियर है आपको? अब हम क्या करेंगे, देखिएगा एकदम ध्यान से, यहाँ पर मैं लिखती हूँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर, 0 प्लस 0 0 ही होता है तो इसको मत लिखो। अब यहाँ पे आप क्या करो ना, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को मत देखो क्योंकि ये 0 0 तो 0 ही होने वाला है, ठीक है ना, तो अभी 4 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करो, तो प्लस 4 y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 इंटू 6y करोगे तो 4 6 क्या होता है 24, और यहाँ पर y है तो y, राइट। अब 4 9 क्या होता है 36, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 36। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इधर के जो भी टर्म्स हैं ना, इन सभी को उस साइड लेकर के जाते हैं, ठीक। तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देखिए पहले तो आप इन सभी को लिख दो, तो यहाँ पर क्या है, इधर लिखना आप 0, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36, ठीक। मैंने ये पूरा के पूरा यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये जो सभी टर्म्स है ना, इन सभी को मैं इसके पास लेकर के आऊँगी, तो सबका साइन ना चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 4x है तो प्लस 4x हो जाएगा, फिर ये क्या है, प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 4, और ये क्या है, प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करोगे तो 3x स्क्वायर आपको मिलेगा, राइट।
अब यहाँ पर 4y², यहाँ पर -y², तो 4y² -y² करो, आपको मिलेगा +3y², ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, -24y, और कहीं पे आपको y दिखाई दे रहा है क्या, वेरिएबल नहीं, तो आप इसको लिख दो -24y, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो +4x है, तो हम इसको लिख लेते हैं +4x। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 और -4, तो 36 -4 करोगे तो आपको मिलेगा +32, ठीक। तो इसको आप लिख दो therefore 3x² +3y² 4x को इधर लिखना +4x -24y एंड +32 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज, कौन सा इक्वेशन है इसको आप लिख डालो, 3x² +3y² +4x -24y +32 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, इफ ए 4,1 एंड बी 5,4 आर टू पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3PB². ओके, तो देखो आपको यहाँ पे ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए और बी, और आपको क्या फाइंड करने बोला है, कोई एक पॉइंट पी है जिसके लोकस का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3PB². ओके, तो हम यहाँ पे जो पॉइंट पी है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कंसिडर करेंगे, x, y। देखो हमने क्या लिखा है, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर x, y, दैट इज पी x, y। अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है 4,1 और बी का 5,4, राइट। ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख दो गिवन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3PB², राइट, दिस इज अ गिवन कंडीशन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले से स्क्वायर किया हुआ है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। हम स्क्वायर क्यों करते हैं, ताकि हमें ये स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे इसने पहले से ही स्क्वायर दे करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्टली। तो देखो क्या आएगा, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पी और ए के बीच का, तो हम यहाँ पर पॉइंट पी और ए लेंगे, तो यहाँ पर एक्स माइनस क्या करेंगे 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 3, तो 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पी और बी के बीच का, तो देखो हम यहाँ पर पॉइंट पी लेंगे और बी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा वाई माइनस 4 द होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस 2ab, तो a यहाँ पर x है, b क्या है 4 है, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। फिर प्लस b क्या है 4² ठीक है, b क्या है यहाँ पर 4 ही है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4² ठीक है। फिर प्लस अब यहाँ पर तो y² माइनस 2ab, तो 2a मतलब y और b मतलब 1, फिर प्लस 1² ओके इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 3, तो मैं लिख देती हूँ 3। फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो x² माइनस 2ab, a मतलब x, b मतलब 5, प्लस b² मतलब 5² हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो y² माइनस 2a, a मतलब y, b मतलब 4, प्लस 4² ओके, इतना क्लियर है आपको। अब आगे देखना, यहाँ पर x² लिखा मैंने, 2 इंटू 4 किया तो 8x, प्लस 4 4 16,
प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पर थ्री लिखते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर टू फाइव ज़ा टेन एक्स प्लस फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर टू फोर ज़ा एट वाई फिर प्लस सिक्सटीन। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स सिक्सटीन प्लस वन कितना हो जाएगा प्लस सेवनटीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ थ्री, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स फिर ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन कितना मिलेगा आपको प्लस वन फोर्टी वन, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दो वाई स्क्वायर फिर माइनस एट वाई, ठीक, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन सभी को ऐसे करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवनटीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू। हम क्या करते हैं यहाँ पर ना हर एक टर्म में थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस वन ट्वेंटी थ्री प्लस थ्री इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर फिर एट थ्री सा क्या होता है ट्वेंटी फोर वाई, ठीक, इतना आपको समझ में आया। हमने क्या किया थ्री से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर के ये जो टर्म्स है ना इन सभी को हम इस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सबसे पहले मैं इधर के टर्म्स को लिख लेती हूँ। तो क्या क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर है फिर माइनस थर्टी एक्स है फिर यहाँ पर वन ट्वेंटी थ्री है प्लस थ्री वाई स्क्वायर है माइनस ट्वेंटी फोर वाई, ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इधर के टर्म्स को उधर ले करके जा रही हूँ तो सबके साइन चेंज होते जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एट एक्स प्लस एट एक्स हो जाएगा प्लस सेवनटीन माइनस सेवनटीन होगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू वाई हो जाएगा प्लस टू वाई, ठीक। यहाँ पर आप लिख देना ज़ीरो क्योंकि इधर अभी कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि इधर के सभी टर्म्स को हमने उधर ले लिया है, ठीक। अब देखना यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा आपको टू एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस थर्टी एक्स और प्लस एट एक्स आपको मिलेगा माइनस ट्वेंटी टू एक्स, वन ट्वेंटी थ्री माइनस सेवनटीन तो वन ट्वेंटी थ्री माइनस सेवनटीन करिए आपको मिलेगा वन हंड्रेड एंड सिक्स, थ्री वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर वाई प्लस टू वाई, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस ट्वेंटी टू वाई, ठीक। और कुछ यहाँ पे बचा है क्या, नहीं, इतना ही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ना टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ट्वेंटी टू एक्स अपॉन टू प्लस वन हंड्रेड सिक्स अपॉन टू प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस ट्वेंटी टू वाई अपॉन टू, ठीक। तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देखना यहाँ पर क्या होगा, टू से टू कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू, यहाँ पर इलेवन एक्स आएगा और यहाँ पर टू वन ज़ा टू टू फाइव ज़ा टेन टू थ्री ज़ा सिक्स, यहाँ पर फिफ्टी थ्री, टू से टू कट जाएगा टू वन ज़ा टू टू वन ज़ा टू। तो यहाँ पर जो भी आया है ना आप उसको लिख दो, देखो क्या क्या आया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है, राइट, फिर यहाँ पर इलेवन एक्स है माइनस इलेवन एक्स, उसके बाद प्लस फिफ्टी थ्री, फिर क्या है यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर है और फिर यहाँ पर है माइनस इलेवन वाई, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस इलेवन एक्स माइनस इलेवन वाई प्लस फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देयर फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज
क्या है आप इसको लिख डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11y प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए 2.4 एंड बी 5.8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स हैं, एक तो ए और दूसरा बी। ठीक, आपको क्या फाइंड करने बोला है, देखो कोई पॉइंट पी है जिसके लोकस का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स कॉमा वाई। ठीक, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट ए और बी हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 2.4 एंड बी के है 5.8, ये क्या है, गिवन है, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है उसको आप लिखिए, द गिवन कंडीशन इज पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, दिस इज अ गिवन कंडीशन। अब यहाँ पे देखो अगेन स्क्वायर किया है तो हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्क्वायर क्यों करते हैं, ताकि हमें ये स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े। ओके, तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पी ए मतलब क्या, आपको पी और ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे पी और ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 द होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब पी बी स्क्वायर है ना, तो देखो यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे पी और बी, तो क्या आएगा, एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर वाई माइनस 8 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, इसको भी इज इक्वल टू क्या है, 13। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 13। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 2 4, यहाँ पर x मिलेगा आपको। ओके, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर करो 4, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो एक और स्टेप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब वाई स्क्वायर आएगा, फिर 2 4 यहाँ पर 8 वाई आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या, 16। ठीक, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब उसके बाद देखो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 का क्या होता है, 10 एक्स आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर यहाँ पर प्लस, और इसमें क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर फिर उसके बाद माइनस 2 8 16 वाई आ जाएगा यहाँ पर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64। ठीक, इज इक्वल टू 13। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ब्रैकेट है ना इसको हटाएंगे, देखो दोनों ब्रैकेट्स को हम हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 फिर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब देखो यहाँ पे जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 10x माइनस प्लस माइनस 25 माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 16y फिर माइनस और प्लस माइनस 64 इज इक्वल टू 13। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अगर हो रहा हो तो कैंसिल कर दो, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखना, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, माइनस फोर एक्स और कहीं पे x, ये देखो यहाँ पर है x, तो माइनस फोर एक्स प्लस टेन एक्स क्या मिलेगा आपको? सिक्स एक्स, है ना। टेन माइनस फोर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सिक्स मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस फोर है और कहीं पे विदाउट वेरिएबल वाला टर्म है, ये देखो प्लस सिक्सटीन, तो सिक्सटीन प्लस फोर कितना हो जाएगा? ट्वेंटी, तो यहाँ पर मैंने ट्वेंटी लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे माइनस एट वाई है और कहीं पे वाई देखो यहाँ पर है, तो माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन वाई यहाँ पर आ जाएगा प्लस एट वाई। ठीक, और कुछ यहाँ पर बचा हुआ है तो ये देखो माइनस ट्वेंटी फाइव और माइनस सिक्सटी फोर, तो क्या हो जाएगा? फाइव प्लस फोर नाइन और टू प्लस सिक्स एट, मतलब यहाँ पर आ गया माइनस एटी नाइन। यहाँ पर क्या है, थर्टीन है, तो थर्टीन को आप इधर ले लो, ये हो जाएगा माइनस थर्टीन, है ना। उधर वो प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा सिक्स एक्स, फिर मैं एट वाई को यहाँ पर लिख लेती हूँ, उसके बाद देखो प्लस ट्वेंटी, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, और यहाँ पर ये दोनों भी माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नाइन प्लस थ्री कितना हो जाएगा? ट्वेल्व का टू कैरी वन, एट प्लस वन नाइन, वन टेन, वन हंड्रेड एंड टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब उसके बाद सिक्स एक्स प्लस एट वाई, ट्वेंटी माइनस वन हंड्रेड टू, तो वन हंड्रेड टू माइनस ट्वेंटी करिए, टू यहाँ पर एट कितना आएगा? माइनस एटी टू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइनस एटी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं ना, तीनों को टू से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर सिक्स एक्स अपॉन टू प्लस एट वाई अपॉन टू माइनस एटी टू अपॉन टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या आएगा यहाँ पर, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, टू वन ज़ा टू, यहाँ पर टू फोर ज़ा एट, टू वन ज़ा टू, मतलब यहाँ पर क्या आ गया देखो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर्टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देखो मैं यहाँ पर लिख करके बताती हूँ, देयर फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर्टी वन इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर्टी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ पर मैंने जो भी सम्स बताए आपको सभी समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी सम में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।